हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ये चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हो? अभी मॉनसून आ गया है, बहुत अच्छे से आप लोग प्लांट लगाइए, सीडलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अभी ये देखिए, मैं ये लेके आई हूँ आज, किचन का जो वेस्ट रहता है, जैसे कि कुछ टूटा हुआ कप्स, आज मैं ये लेके आई हूँ मनी प्लांट। ये जो देखिए, कुछ मेरा मनी प्लांट से ऐसे रूट निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कुछ मेरे वेस्ट पड़ा हुआ है उसी में लगा दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सामने से ख़राब हो गया है थोड़ा बहुत, पर ये कुछ ही दिन में इसका लीव निकल आएगा। देखिए रूट भी निकल आया है। अभी इसको मैं प्लांट कर दूंगी, कुछ ही दिनों में निकल आएगा। ये देखिए, ये जो नॉट एरिया है, इधर से देखिए ये जो रूट निकल आता है। ये देखिए, मॉनसून के टाइम बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो होता है। ये देखिए मेरा पेस्ट जो कप है, थोड़ा सा क्रैक आ गया था ये इधर से, तो इसी वजह से ये मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें मनी प्लांट ही ग्रो कर लूं। पर इसमें फ्रेंड देखिए कोई होल नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसके नीचे थोड़ा छोटे छोटे जो स्टोन्स होता है वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब इसके ऊपर सॉयल हम डालेंगे और कोई भी प्लांट लगाएंगे, तो नीचे जब पानी चला जाता है और जम जाता है तो रूट ख़राब कर देता है। तो जब ये हमारा ये इतना थोड़ा बहुत स्टोन नीचे रहेगा, तो इसमें पानी आके जम जाएगा और सॉयल ऊपर रहेगा, तो उसमें रूट डैमेज होने का चांस बहुत कम रहता है। अभी देखिए, ये मैं जो गार्डन सॉयल है सिंपल वही दे दे रही हूँ। उसके ऊपर ही ये प्लांट कर देंगे, ये जो मनी प्लांट है इसी में ही ग्रो करेंगे। और जो ब्राउन हुआ है ये फ्रेंड, पहले देख लीजिए, ये दबा दबा कर मिट्टी में स्टोन के ऊपर रख रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और ये जो प्लांट है, ये जो ब्राउनिश पार्ट हो गया है लीव्स में, वो कुछ दिन बाद मैं कट कर दूंगी, क्योंकि नया नया प्लांट सॉरी लीव्स निकल आएगा, तो तब वो मैं कट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए, ये सॉइल डाल रही हूँ उसके अंदर, मनी प्लांट जाएगा। अभी कुछ वीडियोस मैं डालूंगी जो सीडलिंग मैंने किया था उसका अपडेट के साथ मैं लेके आऊंगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरा नया नया वीडियोस आए तो आपके पास जल्द ही चले जाए। ऐसे करके आप कोई आप जैसे टूटा हुआ कप रहता है, सूप मग रहता है, ऐसा कुछ कॉफ़ी मग या कुछ भी हो, आप उसको DIY कर सकते हो, उसके अंदर ऐसे प्लांट लगा सकते हो। और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी DIY के साथ।
आप सब बने रहिए। मेरा गार्डनिंग में मेरा बेटा भी मुझे साथ देता है। से हेलो। हेलो। ये देखिए, ऐसे करके जो रूट का पोर्शन वो दबा के स्टार्ट कर दीजिए। कोकोपीट रहने से कोकोपीट के अंदर भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट या जेट प्लांट। सिंगोनियम भी लगा सकते हैं, लकी बम्बू का छोटा छोटा कटिंग करके भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। किसी किसको भी मैं प्लांट कर दे रही हूँ। और प्लांट जब लगाएंगे थोड़ा सा प्रेस करके मिट्टी के साथ लगा देना, ताकि ये गीले ना जब आप वाटरिंग करें। और ये जब लगा लीजिएगा आप, थोड़ा सा अच्छे से वाटरिंग कर लीजिएगा, ये देखिए ऐसे करके लगा लीजिएगा। अभी सिर्फ बाकी है वाटरिंग करने का, ऐसे करके दबा के प्रेस करके लगा लीजिए। बस ये रही। और ये जो ब्राउनिश पार्ट है ये थोड़ा कट कर दीजिएगा। अब इसको वाटर दे दीजिए। ये रेडी है, तो चलिए देखते हैं। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।